श्री कृष्णा गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो लास्ट व्लॉग में आप लोग ने देखा था, मसूरी में स्टे कर लिए थे और अंधेरा हो गया था, इस कारण से नहीं गए। ऋषिकेश जाने का था सीन, तो अब निकल रहे हैं। अभी 7:30-8 बज रहे होंगे, ठीक है। और मसूरी की व्यू देख लो भाई, बाहर से क्या है, कितना प्यारा व्यू हो रखा है, मस्त सा। तो यहाँ से निकल रहे डायरेक्ट ऋषिकेश के लिए अभी तुरंत, क्योंकि आज भाई राफ्टिंग करनी है, कैंपिंग वगैरह करनी है, एडवेंचर्स जो भी होंगे अपने हिसाब से देखे जाएंगे, आज वो किए जाएंगे। तो आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होना है, बस देखो और मज़े करो। चलो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो पहले चेकआउट करने जा रहे हैं, इस होम रूम से चेकआउट करते हैं, लेट्स गो। चलो गाइस चेकआउट करते हैं। चलो गाइस चल रहे, आज मैं बैठूंगा पीछे और आगे वाले चलाएंगे। चलो रास्ते का थोड़ा बहुत सफर के मजे लो, अब पहुंच के मिलते हैं आपको ऋषिकेश। देखो मैं बहुत बड़ा झूठा हूँ या आप बहुत बड़े सच्चे हो, धोखेबाज हो, लेकिन अगर अब बात यह है ऋषिकेश आलू पराठा तो आलू पराठा। थर्ड डे पराठा फिर से आलू का। पहाड़ों में आके लोग यहाँ पे मैगी वगैरह खाते हैं, सब पेलते हैं दबा के, और हम लोग जब से हैं तब से यही खा रहे हैं भाई, बेस्ट। लेकिन यहाँ के लिए मजा आती है। संस्कार भाई का नाम आसे सटीक भाई, अभी सेट आ रहा हूं भाई, अभी नंबर सेव कर रहा हूं सटीक भाई। भाई लो लो, वो सेव भी कर रहा है ये, तो देखो भाई लो नंबर चेंज, ठीक। संस्कार सटीक भाई है ये, यार कितना लंबा कीजिए से सटीक भाई, बस लो भाई ये भाई, ये देखो गाइस सटीक भाई, तुम सटीक भाई हो गए। चलो गाइस अभी हम भी चेंज करेंगे, चलो ब्रेकफास्ट करते हैं, सुबह से कुछ खाए नहीं थे। चलो चलो गाइस राफ्टिंग के लिए निकल लिए हम लोग सबके सब, एकदम मस्ती में। चलो ये देखो क्या पहन गए भाई, जो प्रोफेशनल ड्रेस होती है वो पहना हो। प्रोफेशनल राफ्टिंग तो पहली बार कर रहा हूँ भाइयों के साथ यार, मेरा भाई ने किया है 3 बार। आप लोग करते हो? अच्छा। चलो गाइस गाइड बढ़िया है, वहाँ चल के मिलते हैं। यहाँ पे ना गाइस इस बार इतना चीज़ें चेंज हो गई हैं कि हम लोग राफ्टिंग करने के निकले थे लेकिन चेक पोस्ट लगा हुआ है, उसके कारण से हम लोग को पैदल भेज दिया गया है, ना हम लोग को छोड़ दी गई है। राफ्टिंग ही चल रही है भाई पैदल। हाँ भाई राफ्टिंग बोल के यार पैदल ले आया यार, क्या है भाई हमें क्या पता भाई। तो अभी अपनी वाली वहाँ पे एक्चुअली पुलिस चेक पोस्ट था ना, तो सीन है वो थोड़ा सा अपना सारा सिस्टम चलाने वाला बचाने के लिए जो भी है। हमारा गार्ड बिना पानी के लहर रहा है सड़कों पे, मस्त आप खुद देख सकते हैं, ये हमारा गाइड है गाइस, इससे चला जा नहीं रहा है, ये पानी में सिखाएगा हम लोग को, आज उनके भरोसे और आपके भरोसे, आपके तो भरोसे आई है भाई। चलो गाइस देखो धीरे 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 पहुंच रहे हैं रोडिंग गाइस। चलो अब सूट अप होते हैं, सूट अप। आह गंजी बनियान, अभी सूट अप हो गए तुम भी, लेट्स गाइस गेट सूट अप। सो गाइस सूट अप हो चुके हैं फुल्ला फुल्ली, अब जा रहे हैं थोड़ा सा गेम मचाने, तैयार हो जाओ सब लोग। वो देखो जा रहा है भाई, गुड 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 गुड। ये अपने को नहीं ले जाना है क्या? हम लोग ऐसे नहीं लेके जाएंगे भाई, तुम्हें दिक्कत क्या, हम लोग के लिए हो रहा आसान में शादी हो, लेके चलते फिर खुद ही चला गया, अभी लेके चढ़ाना ऊपर आना, वो बेवकूफी हो जाएगी, लेबरी हो जाएगी, फन करना है तो लेके चलते हैं गाइस, फन करना है इसको। अबे तुम्हारे चेहरे 12 क्यों बज गए हैं? सटीक चलो रेडी गाइस, रेडी लवली, ओके पैडल फॉरवर्ड, फॉरवर्ड अगेन, पावर लगाओ, पावर लगाओ, राइट और पावर, ओके लुक इन द कैमरा, लवली गंगा मैया की जय।
रैपिड है, इन द रोलर कोस्टर इन अ मेजर लॉन्ग रैपिड है। तो रोइंग अच्छा करना है, साउंड नहीं करना है। ओके पैडल फॉरवर्ड एंड स्टॉप टीम गंगा मैया की फॉरवर्ड फास्ट फुल पावर सोर नहीं सोर नहीं सोर नहीं पैडल चलाते रहो कंटिन्यू चलाओ 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 पैडल पैडल चलाओ भाई आप सिर्फ सोर कर रहे हो चलाओ पैडल आगे हेलो मोटे भाई पैडल चलाओ आगे मोटे भाई पैडल मारो चलाओ चलाओ पैडल चलाओ पैडल मारो मोटे भाई चलाओ चलाओ और तेज आगे पैडल नहीं हो रहा राइट साइड में मैडम पैडल मारो थोड़ा पावर 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 लेफ्ट साइड राइट साइड स्टॉप स्टॉप सब लोग बाहर होके बैठेंगे और राइट साइड की हमारी जो ये पूरी टीम है इस भाई को छोड़ के ये तीनों लूज है हेलो सर आगे होके बैठो आप पहले बाहर होके अभी अपना पाँव फ्री करो थोड़ा रिलैक्स बैठो पाँव फ्री करो फ्री रिलैक्स बैठो मजा आया चलाते रहो चलाते रहो कंटिन्यू चलाते रहो चलाते रहो पैडल चलाते रहो ओके स्टॉप 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 ओके मजा आया ओके बाहर होके बैठो सर ओके फॉरवर्ड इनको हेल्प करो खेचो खेचो पावर से रस्सी भी दबाने के लिए बोलो इनके लिए आराम से आराम से आराम से चलो हेल्प करो हेल्प करो हेल्प करो आगे 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 एक वो मोटा भाई है यार उसको भी देख लेना जरा खींचो खींचो आ रहा मैं आ रहा मैं आ रहा राफ्टिंग एकदम मस्त से हो गई भाई मजा आ गया एकदम जो अलग लेवल का एक्सपीरियंस मिला है देखो मेरा तो सेकंड थर्ड टाइम था सुमित भाई आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस था मजा आया बहुत ज्यादा खतरनाक था आगे वाले को धक्का देने का अलग ही मजा आ रहा था कुछ खतरनाक था आप उधर क्यों जा रहे हैं यार लेकिन पीछे का व्यू देखो गाइस क्या प्यारा हो रखा है सबसे ज्यादा मजा आया जंप करने में जंप ना और अपने साथ जो लोग थे वो भी एकदम सबसे बेस्ट अपने जितने बैठे थे सब बेस्ट चलो सबसे पूछा जाएगा एक्सपीरियंस एक एक बार आओ लोग पैसा ऐसा दे रहे हैं गाइस वो लोग पैसा ऐसा दे रहे हैं फोटोज वगैरह का ना होता है आप लोग का कैसा एक्सपीरियंस रहा फिर बहुत अच्छा मस्त रहा मजा आया ये सब अपने साथ थे पूरे से वो अगला उठा के ले आया भाई कि आओ खाओ तुम खा कैसे नहीं सकते तुम लोग चलो अब यहाँ से पे वगैरह करते हैं अब नेक्स्ट जो है सीन वो आगे दिखा देंगे फिलहाल अब देखो सकते कैंपिंग करेंगे और कैंपिंग कहाँ करेंगे वो भी बता देंगे आप लोग को उसका भी सीन नेक्स्ट लेवल होने वाला है बस देखते रहो बाकी राफ्टिंग आओ ऋषिकेश आओ जरूर करो कोई चीज़ करो यहाँ पर ऋषिकेश में अगर राफ्टिंग जरूर करना ठीक है आओ कैसे आए त्रिवेणी घाट यहाँ पर आवाज़ नहीं आ रही होगी धीमे धीमे आ रही होगी बट अभी गंगा आरती होने वाली कुछ ही देर में तो आप लोगों को भी गंगा आरती दिखाते हैं बहुत मज़ा आने वाली है और भाई डायरेक्ट हम लोग आ गए थे यहीं पे अब और उसके बाद का क्या सीन है हमें नहीं पता लेकिन आप आरती एंजॉय करो भाई हम भी एंजॉय करने जा रहे हैं ठीक है चलो बाय
सो गाइस देखो हम लोग वहाँ से आ गए हैं आरती से। आरती आप लोगों को दिखा दी, आई होप आप लोगों को भी अच्छी लगी होगी। और देखो वहाँ पे इतनी रश थी, इतनी भीड़ थी कि यार मतलब वो नहीं था। और एक तो कैंपिंग भी जानी थी, तो आरती देख के हम लोग फटाफट आ गए। तो अभी इस समय अर्चित भैया के साथ बैठे हैं। अर्चित भैया, हाँ तो अर्चित भैया आपने बहुत सेवा की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग ने कोई कष्ट तो नहीं दिया आपको। अरे भाई कैसे बात कर रही, नहीं अगर कोई अच्छा लगता है तुम लोग आते हो। हाँ लेकिन ये है कि आपने बड़ी हेल्प की। तुम लोगों को कैसा लगे? स्टे करोगे तब कष्ट दोगे। मतलब इस बार स्टे नहीं हो पाया ना। हाँ बोलो बोलो बोलो, ये बड़ा बोलते हैं। इस बार हम लोग भैया के पास स्टे नहीं कर पाए क्योंकि हम लोग बहुत जहाँ मतलब घूमना टहलना था। और तो यहाँ से क्या भैया जाने देते? ऋषिकेश में भैया के मतलब नोन में हम लोगों ने आज कैंपिंग भी कर ली। जब एक दिन स्टे करना हुआ तो भैया के नोन में हमने कैंपिंग भी कर ली। बट नेक्स्ट टाइम हम लोग यहीं पे आके स्टे करेंगे, 3-4 दिन आराम से, जितने भी दिन रुकेंगे ऋषिकेश। क्योंकि ये समझ में आ गया है कि 4-5-6 दिन लगेगा बढ़िया से घूमने में। यहाँ पे बहुत कैफेज हैं, ओल्ड ऋषिकेश है, न्यू ऋषिकेश है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे घूमने के लिए और आराम से घूमना है यहाँ पे। तो अगली बार आप भैया के पास आके रुकेंगे कुछ दिन के लिए, स्कूटी लेंगे भैया से और आराम से टहलेंगे। और भैया के बारे में कुछ बताना चाहोगे लोगों? भैया ने तो बहुत हेल्प की, मतलब हर जगह पे मतलब हम लोग के लिए पूरा सिस्टम सेट करके रखा, बस हम लोग को जाना जाना था। देखो जब भी आओगे ना घूमने, ये भागा दौड़ी हमेशा रहेगी। और अगर आप सोचो कि भाई भागा दौड़ी ना हो, आराम से चलना है, तो भैया कम से कम 10-12 दिन का प्रोग्राम बना के आओगे कम से कम। चलो यार तो बस अब यहाँ से निकल रहे कैंपिंग के लिए। और कैंपिंग पे सीन क्या होता है, अब तो वैसे अंधेरा हो गया तो प्रॉपर अभी तो अब नहीं दिखाएंगे वहाँ जाके, मॉर्निंग जब होगी कल आपको अच्छे से दिखाएंगे कहाँ रुके हैं, क्या है, कैसा व्यू है। तो अभी यहीं पे ब्लॉग एंड कर दे रहे हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं फिर से अगले ब्लॉग में, तब तक लिए जय श्री कृष्णा।